भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। मैडम कहाँ पोस्टेड हैं? हमसे इस समय बात मत करिए। अरे मास्क नहीं लगाया आपने, इस पे बता दीजिए। अरे आप बताइए, दुनिया का चालान कर रहे हैं आप, खुद है मास्क नहीं लगाए हैं। सही कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? यही पोस्टेड है। अरे आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए भाई? मास्क नहीं लगाए जी, मास्क ही लेने जा रहे थे प्रेजेंट में। अभी मास्क लेने जा रहे हैं जी, रास्ते में गिर गया कहीं, मतलब ऐसे नोशा रखे हैं अंदर हम। ना जरूरी समझ रहे हैं मास्क, जरूरी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ शहर में हैं और यह पता करने के लिए निकले हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइन है, खासतौर पे मास्क लगाने को लेकर, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, सरकारी कर्मचारी हो या आम जनता हो, कितना पालन उसका कर रहे हैं, उसकी एक रियलिटी चेकिंग के लिए हम निकले हैं आजमगढ़ शहर में और देखते हैं कि हमें जो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसके पालन को लेके आम जनता या कर्मचारी सरकारी अधिकारी कितने जागरूक हैं। अरे मैडम एक मिनट, सुनिए, आपने मैडम कहाँ पोस्टेड हैं? हमसे इस समय बात मत करिए। अरे मास्क नहीं लगाया आपने, इस पे बता दीजिए। नहीं है? क्या रहे हैं? अरे आप बताइए, दुनिया का चालान कर रहे हैं आप, खुद है मास्क नहीं लगाए हैं। सही कर रहे हैं। रुकिए, कहाँ से आ रहे हैं? यही पोस्टेड है। अरे आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए भाई? हैं? क्यों नहीं मास्क लगा रहे हैं? इधर एक मिनट बात कर लीजिए हमसे। चाचा कहाँ पोस्ट है? मास्क नहीं लगाए, बस एक मास्क लगा लीजिए। अरे राम साहब मास्क लगा लीजिए। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? अरे भाई एक मिनट, अमित कुमार जी कहाँ पोस्टेड है? खाना बर्दे पोस्टिंग। और अजय? अजय कांस्टेबल। कांस्टेबल अमित जी, ये बताइए, सबको आप चालान करते हैं मास्क लगाने के लिए, आप खुद नहीं लगाए हैं, क्या कोरोना का खतरा आप नहीं समझ? जी बिल्कुल है। मास्क नहीं लगाए जी, मास्क ही लेने जा रहे थे प्रेजेंट में। अभी मास्क लेने जा रहे हैं जी, रास्ते में गिर गया कहीं, मतलब ऐसे नोशा रखे हैं अंदर हम। बांध लेना चाहिए जी सर। आप लोग नहीं पालन करेंगे? जी आप लोग नहीं पालन करेंगे तो कौन करेगा? आप ही पालन करा रहे हैं सड़कों पर। जी पालन करेंगे सर, जरूर। गलती है जी, गलती है, इसके लिए सॉरी। क्या नाम है वकील साहब? ब्रजेश कुमार यादव। वकील साहब आप कानून बता दें, मास्क क्यों नहीं लगाए? बस है? कितना जरूरी समझ रहे हैं मास्क, जरूरी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? नहीं, फिलहाल तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसी जरूरत नहीं है? नहीं। क्या कोरोना बीमारी पूछ के आएगी? सरकार इतनी गाइडलाइनें दे रही है जी, और आप कानून का पाठ पढ़े हुए हैं जी, आप अपनी भाषा में कुछ बताएं तो। नहीं चाहिए, चाहिए, हम मास्क रखे हुए हैं तो मास्क लगाइए। जब ज्यादा भीड़ में जाते हैं तो लगा लेते हैं, अकेले रहते हैं तो नहीं लगा। दोस्तों कोविड 19 से बचाव के भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार दुबे है। ब्रजेश साहब, कोरोना काल चल रहा है, तमाम गाइडलाइने जारी हो गई है, आप मास्क नहीं लगाए? नहीं, मास्क तो रखे हैं, लगाए नहीं है। गलती हो रही है? हाँ, कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही।
क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं और दूरी बनाकर रखें, जिससे अपने भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ रखें। अब मास्क लगाएंगे? हम लगाएंगे। क्या नाम है? आजाद नेता के नाम से जानते हैं लोग। आप नेता भी करते हैं, सारी चीजें सरकार की गाइडलाइन हैं। जी जी। मास्क क्यों नहीं लगाए? अब मास्क तो है, अभी कुछ देर के लिए हटा दिए हैं। क्यों हटा? और इसलिए कि जो कोरोना का डर दिखाकर और कोरोना के आड़ में जो राजनीति की जा रही है, इससे मुझे बड़ा दर्द है। आज हिंदुस्तान मांग रहा है रोजगार, आज किसान जो है अपना समर्थन मूल्य मांग रहा है। कोरोना कोई राजनीति कोई वो नहीं देखता है, जिसको लग गई उसको लग गई, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। नहीं तो मानते हैं? नहीं, अभी तक तो कहीं इस तरह की घटना दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरह से इसको हो हल्ला किया जा रहा है। जब चुनाव करीब आता है तो कोरोना करीब दिखाई देता है। कौन सा चुनाव? साल भर से आज 24 मार्च हो गया। अभी आप देख लीजिए, आप जो है बंगाल के अंदर कहीं पे पता नहीं चल रहा है, आप दिल्ली के अंदर जो है इतना परेशानी हो रही है, कोरोना के नाम पे सरकार को घेरा जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ कोरोना कम है, और जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ कोरोना ज्यादा है। हमारा एक सवाल है कि आप मास्क लगाने को अच्छा मानते हैं? हम मानते हैं, हम लगा भी लेते हैं। क्यों नहीं लगाए? हम लगा ले रहे हैं, आपने कहा तो हम लगा ले रहे हैं। मेरे कहने पे मत चलिए, कोरोना महामारी किसी का वो नहीं है। नहीं, आज तक मैं कोरोना काल में 22 मार्च को अगली साल जो है लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से मैं गरीबों में था। लॉकडाउन के दौर में, मैंने गरीबों तक जो है जो भी मुझसे हो सका जो है राशन वितरण किया। कोरोना का जो है कहीं मुझको असर ही दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझको बस एक चीज का असर दिखाई दिया, कहीं बेरोजगारी दिखाई दी, कहीं रोजगार का पता ही नहीं है, कहीं किसान पे हाल है। आप किस राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं, मैं एक संगठन चलाता हूँ और समरसता विचार मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा। जी, मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं? नहीं, जरूरी है, लेकिन इसको 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 राजनीतिक तूल देना ये जरूरी नहीं है। कोरोना के आड़ में जो राजनीति हो रही है, कोरोना के आड़ में जो है बेरोजगारी को, जो रोजगार को दबाया जा रहा है, रेल बेचे जा रहे हैं, LIC वाले रोड पे खड़े हैं, जो है अधिकारी जो है दर बदर जो है भूखे प्यासे क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, आया दिन इस तहसील में लोग दर बदर भटक रहे हैं, अपनी आवाज़ जब बुलंद करते हैं, SDM साहब तो बहुत अच्छे हैं, कर्मचारियों के हाल ये है कि बस से बदतर है, वो कोरोना में अपने कान मेरा को मेरा इन्वेस्टिगेशन यही है कि आपने मास्क नहीं लगाया था। जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, इसके लिए आपको धन्यवाद। कैमरे के सामने मास्क लगाया आपने? नहीं नहीं, कैमरे आप नहीं लगा रहे? नहीं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप जैसे ही सजग प्रहरी को समाज को जरूरत है, पत्रकार साथियों, आपको ईश्वर सेहत दे कि आप लोगों को बताते रहिए, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि जिस तरह से मास्क जरूरी है, उसी तरीके से पेट भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, किसान के खेत में गेहूं भी जरूरी है। क्या हो रहा है देश में? वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भर जाते हो जाते हैं बदनाम। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया साहब, शुक्रिया।